हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो प्रस्तुत पाठ में स्वामी विवेकानंद के जीवन से बच्चों को प्रेरित करने का प्रयास किया गया है कि देखो उनका जीवन क्या था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, तो उसके थ्रू क्या कर सके ताकि बच्चे प्रेरित हो सके, उनमें क्या है, हमें उत्सुकता हुई ताकि हम भी उनके जैसे कुछ काम कर सके। उनकी सत्यप्रायणता व आदर्श सभी के लिए अनुकरणीय है, तो हम क्या करें, उनकी तरह बनने का प्रयास करें और उनसे थोड़ी सी सीख लें ताकि हम भी उनके जैसे बन सकें। हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, उनके विचार सबके लिए लाभदायक होते हैं। तो देखो बहुत महापुरुष थे जो हमसे पहले थे, और उनके विचार भी बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, अच्छे होते हैं और उनको सब मानते थे। ऐसे ही 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता बोलते हैं कि एक प्रख्यात वकील विश्वनाथ दत्त के घर एक होनहार बालक ने जन्म लिया जिनका नाम नरेंद्र नाथ रखा था। तो कौन होते हैं? एक होनहार बच्चे होते हैं जिसका नाम रखा जाता है नरेंद्र नाथ दत्त। यही बालक आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध समाज सुधारकर एवं विचारक स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तो देखो जो हमारे ये थे कौन, नरेंद्र नाथ दत्त थे, उन्हीं का नाम बड़े होकर क्या पढ़ा, स्वामी विवेकानंद, और उनकी माता जी का नाम क्या था, भुवनेश्वरी देवी। नरेंद्र बाल्यकाल से ही साहसी थे, वो बचपन से ही बहुत साहस रखते थे। वह घुड़सवारी, तैराकी तथा गाने बजाने में निपुण थे। तो क्या क्या काम करते थे? घुड़सवारी यानी घोड़े चलाने में भी सही थे, तैराकी यानी स्विमिंग, और गाना बजाना भी उन्हें अच्छा लगता था। नरेंद्र हमेशा सच बोलते थे, तो हमेशा क्या थे, सत्यवादी थे, सच बोलते थे। एक दिन पढ़ाते समय अध्यापक ने बच्चों को बातें करते देखा। तो एक दिन क्या हुआ, टीचर पढ़ा रहे और उन्होंने देखा कि बच्चे बातें कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? तो नरेंद्र के अतिरिक्त किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। तो सिर्फ नरेंद्र ऐसे थे जो बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ उत्तर लिया, बाकी कोई भी बच्चा उत्तर नहीं दे पाया। अध्यापक ने नरेंद्र को बैठने के लिए कहा, शेष विद्यार्थियों को खड़े रहने के लिए आज्ञा। तो सिर्फ उन्होंने क्या करा, नरेंद्र को बिठा दिया क्योंकि उन्होंने उत्तर दे दिया था, और बाकी सभी बच्चों को बोला कि तुम खड़े रहो। सबके साथ नरेंद्र भी खड़े रहे, तो सबके साथ वो भी खड़े रहे। यह देखकर शिक्षक ने पूछा, नरेंद्र तुम क्यों खड़े हो? नरेंद्र जी क्या बोलते हैं कि गुरु जी बातें तो मैं भी कर रहा था, मुझे भी इसलिए इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो बोलते हैं कि मैं भी कर रहा था बातें, तो इस हिसाब से तो मुझे भी खड़ा रहना चाहिए। नरेंद्र की सच्चाई सुनकर शिक्षक बहुत खुश हुआ, उन्होंने सभी बच्चों से बैठने को कहा। उस समय नरेंद्र केवल 7 वर्ष के थे। तो वो उस समय कितने थे, 7 वर्ष के, और अध्यापक क्या होते हैं, उनकी सच्चाई से खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सच बोला कि वो भी बातें कर रहे थे सबके साथ, तो इसलिए उनको भी खड़ा होना चाहिए। तो अध्यापक भी खुश हो जाते हैं और सभी बच्चों को बैठने के लिए बोल देते हैं। एक बार एक प्रार्थना सभा में संत रामकृष्ण परमहंस जी आए थे। तो कौन आए थे, रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र ने उस सभा में एक गीत सुनाया, तो तब उन्होंने एक गाना सुनाया था। गीत सुनकर परमहंस जी अति प्रसन्न हुए और उनसे मिलते रहने को कहा। तो वो बहुत खुश हो गए और बोला कि इनसे मैं मिलते रहूंगा। नरेंद्र पर उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और वे परमहंस जी के शिष्य बन गए। वैसे करते करते वो दोनों क्या हो गए, बहुत ही अच्छे वो बनते हैं, और उनके क्या बन गए, परमहंस जी के शिष्य बन गए। इसके बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ गया। तो इसके बाद किसका, स्वामी जी का नाम क्या पड़ गया, विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सबको सुखी बनाने के लिए मुझे लाख बार भी कष्ट भोगना पड़े तो मैं तैयार हूँ। तो बोलते हैं कि अगर किसी को 100 बार भी, मतलब खुशी के लिए मुझे 100 बार भी दुख झेलना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि सब लोग क्या रहे, सुखी रहे, अच्छे से रहे। उनका विचार था कि जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। तो बोलते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ होने पर ही ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है, और जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ सीख सकते हैं, हम ज्ञान ले सकते हैं। देश प्रेम और मानव प्रेम में उनका आदर्श था। वो क्या मानते थे, देश प्रेम में भी और जो आपस में लोग रहे उनमें भी प्रेम बना रहना चाहिए। उनके अनुसार हर किसी को अपनी आजीविका स्वयं कमानी चाहिए। वो मानते थे कि सबको क्या कानून, कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए ताकि उनकी जीविका चलती रहे।
प्रत्येक गांव में लड़कियां लड़कियों के लिए विद्यालय होना चाहिए, तो बोलते कि हर एक गांव में जो लड़के हैं उनके लिए भी स्कूल्स होने चाहिए। यदि नारियां शिक्षित होंगे तो समाज भी शिक्षित होगा। तो उनका मानना था कि अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो हमारा समाज भी क्या होगा, शिक्षित होगा। राष्ट्र का विकास भी तभी संभव है, तो जो राष्ट्र है उसका विकास भी तभी हो सकता है जब हम स्त्रियों को भी पढ़ने का मौका दें। शिकागो के धर्म सम्मेलन में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा गया था कि निसंदेह स्वामी विवेकानंद जी एक महान पुरुष हैं, देश विदेश के लोग भी विवेकानंद जी के आदर्शों से बहुत प्रभावित हो। तो देखो जो शिकागो के लोग आए वहां पर जो सम्मेलन हुआ था वहां के लोगों ने भी स्वामी विवेकानंद जी की बहुत ज्यादा क्या करी, तारीफ करी, और उनके जो आदर्श थे उनको देखकर वो क्या हुए, प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है, तो इनका एक स्मारक है जो कहाँ पर है, कन्याकुमारी में है। स्वामी जी की 56 फुट ऊंची प्रतिमा वहां स्थित है, तो उनकी मूर्ति बनाई गई है जो कितनी ऊंची है, 56 फुट ऊंची। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम में स्थित चट्टानों पर इसे बनाया गया, तो वहां पर बनाया गया इन तीनों के संगम पर, यहाँ पर जी तीनों मिल रही है। यह तट से करीब 400 मीटर दूर है, तो किनारे से कितना दूर है, 400 मीटर। इसे बनाने में लगभग 1,35,00,000 रुपए की लागत लगी, तो कितने पैसे लगे, 1,35,00,000 रुपए। यह स्मारक दो चट्टानों पर बना है जिसका क्षेत्रफल लगभग 70 मीटर है, तो ये दो चट्टानों पर बना है जो कितना है, 70 मीटर पे है। इसे दो भागों में बनाया गया है, एक विवेकानंद मंडप और दूसरा श्रीपद मंडप, तो दो मंडप है, पहला ये और दूसरा ये। दिसंबर सन 1892 में एक दिन स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के इस तट पर आए, तो आते इस दिन आए थे वो, उन्होंने यह चट्टान देखी। वे तैरते हुए वहां आए और ध्यान लगाकर 3 दिन और 3 रात लगातार बैठे रहे। तो जब वो आए, तैर कर आए थे, तो हमने 3 दिन और 3 रात लगातार क्या किया, ध्यान करा। स्वामी जी का जीवन नवयुवकों के लिए प्रेरणा और स्रोत है, वह उनके सफल जीवन व्यतीत करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो देखो वो क्या थे, वो कितने अच्छे थे, क्या करते थे, सभी के बीच में प्रेम बताते थे, देश प्रेम भी और जो मानव प्रेम है उसको भी। तो उनसे हमें क्या करनी चाहिए, थोड़ी सी प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, ताकि वो क्या करे, उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए ताकि हमारा मन स्वस्थ रहे, और मन स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ सीख सकते हैं, और उन हमारे जो महिलाएं हैं यानी जो गर्ल्स हैं उनको भी पढ़ाई लिखाई कराई जाए ताकि जो हमारा देश है उसकी प्रगति हो। तो आयो बच्चा आपको ये क्या पता चला होगा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पता चला होगा, तो इनसे हम कुछ सीखेंगे और उसको अपनी लाइफ में क्या करेंगे, उसको उसका प्रयास करेंगे करने। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।